हेलो नमस्कार, रंगमा चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। अतिथि शिक्षकों की एक समस्या को सरकार ने मानने के लिए तैयार हुआ है, ठीक है। अभी तक अतिथि शिक्षकों को सैलरी टाइम पे नहीं मिलती थी, लेकिन अब सैलरी टाइम पे मिलेगी और एक फिक्स तारीख को मिलेगी। और पोर्टल पर जो समस्या आ रही है उसका भी अतिथि शिक्षकों की समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। सभी की नियुक्ति की जाएगी। अतिथि शिक्षकों ने मांग रखी कि इनको आजीवन रखा जाए, तो एक मांग तो सरकार ने मान ली है। इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी मैं देने वाला हूँ, लाइव वार्ता सुनाने वाला हूँ। अब वीडियो बने रहे, वीडियो पूरे देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपडेट पाने के लिए। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का मुद्दा काफी लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। कभी अतिथियों के आंदोलन की वजह से, तो कभी स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप के बयानों की वजह से। अतिथियों ने जब प्रदर्शन किया, तब सरकार ने इनकी कुछ मांगों पर विचार करने का भरोसा दिलाया और कुछ मांगों को जल्द लागू करने की भी बात कही। इसी बीच नरसिंहपुर में अतिथि शिक्षकों का एक दल स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप से मुलाकात करने पहुंचा और उनके सामने कुछ मांगों को रखा। इन अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री से मांग की कि इन्हें तय समय पर सैलरी दी जानी चाहिए और अतिथि शिक्षकों के पोर्टल पर जो भी तकनीकी समस्या है उसे दूर किया जाना चाहिए। अब अतिथि शिक्षकों ने ये मांग रखी तो मंत्री जी ने फिर आश्वासन दे दिया कि अतिथि शिक्षकों के हितों की रक्षा की जाएगी, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अब ये आश्वासन होता ही कुछ ऐसा है, जिसने आश्वासन दिया वो भले ही इसे भूल जाए, लेकिन जिसे आश्वासन दिया गया वो इसी उम्मीद में रहता है कि उसकी मांग जरूर पूरी होगी। तो इंतजार कीजिए एक और आश्वासन के पूरे होने का। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ।